30 अक्टूबर 1967 की वाणी का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है मुझको सहारा देने वाले। ये बच्चों के लिए अंदर से शुक्रिया का अक्षर है। बाप टीचर गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि ये खेल बना हुआ है। इसमें शुक्रिया आज की बात ही नहीं, खेल कहो नाटक कहो अपना अपना पार्ट सभी बजाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार अक्षर तुम बच्चों की बुद्धि में आते हैं, और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं आती हैं। खेल कहने से सारा ही खेल 5000 वर्ष का तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। गोया पे ही तुम सुदर्शन चक्रधारी बन जाते हो, और तीनों लोक भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, ये भी जानते हो। अब खेल पूरा होता है, बाप आए करके त्रिकालदर्शी तुम बच्चों को बनाते हैं। और तो कोई को नहीं बनाते, तीनों कालों तीनों लोकों आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। काल समय को कहा जाता है, ये सब बातें नोट बिगर किए बुद्धि में बैठ नहीं सकती। तुम बच्चे तो बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो, समय पर बातें याद नहीं आती है। और ड्रामा के ड्यूरेशन को तुम जानते हो, क्योंकि तुम्ही ने 5000 वर्ष का चक्कर लगाया है। ऑलराउंड पार्टधारी तुम हो, इसलिए तुम ही त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिल जाता है तो तुम नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। नहीं तो जब नास्तिक थे तो निर्धन के थे, और आस्तिक बन जाते हो तो धनी के बन जाते हो। और ये ज्ञान तुम बच्चों को ही मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होती रहती है। तुम भी गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हारी बुद्धि में सदैव ये नॉलेज टपकनी चाहिए।
क्योंकि ये भी नॉलेज है ना, और ये नॉलेज भी ऊंचे से ऊंचे बाप तुमको देते हैं। ड्रामा अनुसार ही देते हैं। ये ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकलते हैं। सो भी उनके मुख से खास निकलता है जो ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहते हैं। ड्रामा के पट्टे पर पक्के रहते हैं। अभी तुम जानते हो पहले हम आर्फन्स के थे, अभी बेहद का बाप धनी मिला है तो अभी हम धनी के बने हैं। वो दुनिया वाले होते हैं हद के आर्फन्स, पहले तुम बेहद के आर्फन्स थे। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, और ऐसा कोई भी बाप नहीं होता 84 जन्मों में जो ऐसा सुख तुमको देता हो। कैसा सुख? अतिंद्रिय सुख। गायन भी है अतिंद्रिय सुख, पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। और ये अतिंद्रिय सुख तुमको 84 जन्मों में कभी नहीं मिलता। कब मिलता है? इसी संगम युग की आखिरी घड़ियों में मिलता है। पहले पहले तो बच्चे दुनिया में हिंसक बन पड़ते हैं, उनको हिंसक विकारी बनाए देते हैं, विकारी बनने से फिर आदि मध्यंत दुख पाते हैं। पाप आत्मा बन जाते हैं। जो पुण्यात्मा बनते हैं वो काम कटारी नहीं चलाते, और पापात्मा काम कटारी चलाते हैं। पापात्मा कहाँ होते हैं और पुण्यात्मा कहाँ होते हैं ये तुम्हारी बुद्धि में। नई दुनिया पुरानी दुनिया ये सब तुम बच्चों की बुद्धि में, परंतु ये बातें औरों को यथार्थ रीति समझावे और इसी ईश्वरीय धंधे में लग जावे। ऐसे तो हरेक की सरकमस्टांसेस अपनी अपनी होती है, परंतु समझाए भी वो सकेंगे जो याद की यात्रा में तत्पर होंगे, क्योंकि याद से बल मिलता है ना। बाप है ही जौहरदार तलवार, तो उसकी याद में रहने से तुम्हारे अंदर बल आ जाता है, जौहर भर जाता है। अभी तुम बच्चों को जौहर भरना है,
इसको योग बल कहा जाता है ना। इस याद में ही बल है। याद के बल से तुम विश्व की बादशाही पाते हो। बाहुबल से कब कोई हिटलर नेपोलियन विश्व का मालिक बन नहीं सका, और तुम योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हो। कहां योग बल है? योग बल कहो, प्रीति बल कहो, रूहानी बल कहो, रूहानी प्रीति होती है ना। रूहानी प्यार पत्थर जैसी आत्मा को भी पिघलाए देता है, चेंज कर देता है। तो तुम योग बल से सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करते हो। कंट्रोल ना भी कहें, स्वतः ही सारी दुनिया कंट्रोल्ड हो जाती है। एक होता है प्यार से अपने आप कंट्रोल में रहना, अनुशासन में रहना, और एक होता है तलवार के बल से जबरियन किसी को घसीटना। बहुत फर्क हो जाता है। तो बाप सिद्धांत बताते हैं, बाहुबल से कब कोई दुनिया को कंट्रोल कर नहीं सकता। कमजोर आत्माओं को कंट्रोल कर सकते हैं। जन्म जन्मांतर अपनी प्रजा बनकर रहने वाली आत्माओं को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये योग बल में ही इतनी ताकत है, रूहानी बल में ही इतनी ताकत है कि सारी दुनिया की 500-700 करोड़ आत्में सब दिल से शुक्रिया अदा करती हैं, झुक जाती हैं, प्यार के बंधन में फंस जाती हैं, स्वतः ही अपने को प्यार के बंधन में बांध देती हैं। तो योग से बल मिलता है ना। ऐसा बल और कब कोई किसी को दे न सके। कैसा बल? रूहानी प्यार का बल। रूहानी बल रूहानी बाप से ही मिल सकता है। और कोई मनुष्य मात्र से नहीं मिल सकता, क्योंकि इस दुनिया में सब देह अभिमानी है। जो जैसा होगा वो वैसा ही बनाएगा। देह अभिमानी होगा तो देह अभिमानी बनाएगा, आत्मा अभिमानी होगा तो आत्मा अभिमानी बनाएगा, चोर डकैत होगा तो चोर डकैत बनाएगा, साहूकार होगा तो साहूकार बनाएगा। रूहानी बल रूहानी बाप के पास ही है। जो जितने संग के रंग में आते हैं उनको वह बल मिल जाता है।
संघ अनेक प्रकार का होता है। बुद्धि का संघ भी संघ है, परंतु बुद्धि का लगाव तब होता है जब बुद्धि में प्राप्ति का पता लग जाए, अथवा बुद्धि ने अनुभव किया हो। कि इससे ये प्राप्ति होती है, कही हुई बात बोली हुई बात भूल जाती है, अनुभव कभी भूलता नहीं है। तो बाप आकर के अनुभव कराते हैं, प्रैक्टिकली अनुभव कराते हैं। प्रैक्टिकल कहा ही जाता है शरीर के द्वारा। बाप का संग और देह अभिमानी मनुष्यों का संग, रात दिन का फर्क है। बाप का नाम ही है सेवा कल्याणकारी। जो भी नाम है शरीर के ऊपर पड़ते हैं, मेरी बिंदी का नाम सेव है। परंतु प्रैक्टिकल संघ का रंग भी शरीर के द्वारा लगता है। जो विधर्मी धर्म पिताएं इस राज को नहीं समझ पाते, वो दूर ही दूर रहते हैं। स्वर्ग के सुख अथवा अतीन्द्रिय सुख उनको अनुभव नहीं हो पाता। या तो यूं कहें कि ड्रामा में नूद नहीं है। अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों से परे की स्टेज का सुख है, आत्मा का सुख है। ऐसे नहीं कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों ने शरीर से परे होकर के भोगा था। अगर देह से आत्मा निकल गई होती तो भक्ति मार्ग में ये गायन ही नहीं होता। कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। वास्तव में ये 84 का ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्माओं की बात है, जिन्होंने बाप से अतीन्द्रिय सुख भोगा है। तो पक्का बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि योग से रूहानी बल मिलता है, ज्ञान से नहीं मिलता है। ज्ञान से सिर्फ बाप की पहचान होती है कि रूहानी बाप कौन है। जिस्मानी बाप की भी पहचान होती है। 84 जन्मों के 84 जिस्मानी बाप, परंतु वो सब हद के हैं। बेहद के बाप सिर्फ दो हैं, एक रूहानी बाप और दूसरा 84 जन्मों का जिस्मानी बाप, मनुष्य मात्र का बाप।
500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, जीव आत्मा के रूप में है, उन सब को अनुभूति कराने वाला बाप, उसको सब धर्म वाले मानते हैं। एडम आदम के रूप में मानते हैं, मुसलमान लोग भी कहेंगे दीन इलाही, दीन धर्म को कहा जाता है। बच्चों को समझाया है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, जन्म जन्मांतर की इनकम है, इक्कीस जन्म के लिए ऐसी इनकम है जहां तुमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता और इनकम होती रहती है। ये ज्ञान रतन ऑटोमेटिक जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल रतन बनती रहती है। योग को बल कहा जाता है। यहां रूहानी बल जिसने जितना धारण किया होगा, रूह में ताकत भरी होगी, जैसे कि बीज में ताकत भर जाती है, बीज माने आत्मा, आत्मा की भी तीन स्टेजेस हैं। उनको कहा जाता है कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। कारण शरीर जितना पावरफुल होगा, जन्म जन्मांतर के लिए सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर पावरफुल बनता रहेगा। अभी आत्मा में रूहानियत भर ली, रूहानी बाप की याद से, बाप के संग से, तो जन्म जन्मांतर सुखाला बन जाएगा। बाप को कहते ही हैं सत्त चित्त आनंद, सच्चाई की जन्म जन्मांतर की ताकत भर जाती है। उस सच्चाई से कोई मुकाबला कर नहीं सकता। बल थोड़े समय के लिए सच्चाई गुप्त भी हो जाती है, परंतु आखिरी सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। झूठ को हारना पड़ता है। बाप आते हैं तो सच और झूठ की लड़ाई होती है। सच्चा है बाप और झूठा है रावण। झूठा अनेक बातें बनाएगा, छल छिद्र में फंसाएगा, और बाप की बातें अंदर बाहर एक होती है। परंतु जो बाप के साथ दोहरा व्यवहार करते हैं,
अथवा बाप को नहीं पहचानते, उनके लिए बाप भी अंदर एक और बाहर दूसरा रहता है। आखिरीन तो सारी दुनिया को चेंज होना ही है, रूह बनना ही है। जब सारी दुनिया रूह बन करके रूहों के धाम में वापस जाएगी, तो बाप भी अंदर बाहर एक नजर आएगा, सारी दुनिया उस बाप को पहचानेगी। पहचानने में भी नंबरवार और रूह बनने में भी नंबरवार। झूठ और सच का संगम है, ये संगम कलयुग के अंत और सत्ययुग के आदि में ही होता है। 100% संगम 5000 वर्ष के ड्रामा में एक ही बार होता है। जबकि 100% झूठ और 100% सच्चा साबित हो जाता है। राम की भी पहचान हो जाती है और रावण की भी पहचान हो जाती है। झूठ और सच में रात दिन का फर्क है। अब विचार करो कि योग अच्छा है या ज्ञान अच्छा है। ज्ञानी को अहंकार आ सकता है, अहंकार सत्यानाश कर देता है। क्योंकि ज्ञान सिर्फ एक बाप से आता है। जो ज्ञानी होने का अहंकार धारण कर लेता है, वो ये भूल जाता है कि जो भी ज्ञान हमको मिलता है वो उसे एक बाप से मिलता है। वास्तव में ये ज्ञान हमारी चीज नहीं है, हमारी आत्मा की अपनी चीज है रूहानियत। वो भी रूहानी बाप से मिलती है, अनेक जन्म लेते लेते रूह देह अहंकार में आ जाती है। देह अहंकार में आने वाली आत्मा बाप से दूर ही दूर रहती है। इसलिए साधु सन्यासी ईश्वरीय ज्ञान को अंत में उठावेंगे। जो निरहंकारी होते हैं वो बाप के नजदीक जल्दी आ जाते हैं। तो योग ही नामी ग्रामी है। योग अर्थात तो कोई हठ योग नहीं, योग अर्थात याद, याद अर्थात प्यार। प्यार भी देह का नहीं, जो रूहानी बाप ने सिखाया है। अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो।
नहीं तो बाप की याद भी नहीं आ सकती। बाप कहते इस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इस याद पर ही बाप जोर देते हैं। घड़ी घड़ी अपने को परखना है कि हमारी याद का रुझान किस तरफ जाता है। देह देह के संबंधियों की ओर जाता है या रूहानी बाप की ओर जाते हैं, देह के पदार्थों की ओर जाता है या रूहानी बाप से जो मिलता है उस तरफ जाता है। रूहानी बाप से रूहानी ज्ञान मिलता है, ज्ञान अर्थात पहचान मिलती है, बुद्धि में पहचान पक्की होने पर बुद्धि बाप की ओर दौड़ती है। ज्ञान बड़ा सहज है, ज्ञान भी सहज है और जो सहज है स्वभाव संस्कार वाले होते हैं, जन्म जन्मांतर के सरल संस्कार के स्वभाव संस्कार पड़े हुए सरल चित्त हैं, भोले वाले हैं, उनके लिए याद भी बड़ी सहज है। जिनके संस्कार ही जन्म जन्मांतर के ऐसे हैं, छल छिद्र कपट के, उनको बाप की याद में बड़ी अड़चन आती है, याद सहज नहीं हो पाती है, तो याद भी कठिन लगती है। वास्तव में याद कठिन है नहीं, सहज याद को कठिन बनाया जाता है अपनी कमजोरी से। भगवान वाचे है, मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूं, फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि बहुत कठिन है, बहुत गुह्य है। गीता में भी लिख दिया है गुह्यात् गुह्यतरम् ज्ञानम्, गुह्यते गुह्य राज समझाता हूं। भगवान को भी ले जा करके गुहा में बैठा दिया है, कि ज्ञान देने वाला बाप खुद ही गुफा के अंदर घुसा बैठा है। वास्तव में सरल चित्त होने की बात है। मनुष्यों ने इस बात को स्वीकार किया है, मनुष्य गुरुओं ने गीता शास्त्र में भी लिखा है कि हे अर्जुन तू कोरा कागज बन जा, जो भी दुनिया ने दुनियावी रीत से तूने समझा है, सुना है, पढ़ा है, वो सब भूल जा, मेरी बात सुन। तो जो भी पुरुषार्थी है उनको पहले भगवान के सामने स्वयं सरल चित्त होना चाहिए। जो सरल चित्त होगा वो अपना पोता मेल सच्चा सच्चा देगा या काट पीस करके देगा, सच्चा पोता मेल देगा।
हृदय खोल करके रख देगा, कुछ भी छिपाएगा नहीं। तो शास्त्रों में लिख दिया है, भक्ति मार्ग के शास्त्रों में सारी बातें लिखी हुई हैं। निर्मल मन सोई जन्मोई पावा, मोही छल छिद्र कपट नहीं भावा। छल छिद्र कपट करना ये रावण का खेल है। जैसे जोंक है, पानी एक जैसा है, फिर भी टेढ़ी मेढ़ी होकर के चलती है, ऐसे ही ज्ञान सागर बाप भी संसार में जब आता है और जिस मुकर्रर रथ में आता है, सहज और साधारण है। परंतु जोंक की चाल चलने वाली आत्माएं उसे भी टेढ़ा मेढ़ा समझ लेती है। बाप ने तो तरीका बताई दिया, तुम इनको न देखो, किसको देखो, बाप को देखो, इनसे अगर कोई गलती भी होती है तो भी बाप बैठा हुआ है सुधारने के लिए, तुम सिर्फ रूहानी बाप को पहचानो। बाप तो दोनों हैं और दोनों बेहद के बाप हैं। एक है रूहानी बाप और ये दूसरा है बेहद का जिस्मानी बाप। एक को शास्त्र में नाम दिया है प्रजापति, बाबा ने नाम दिया है प्रजापिता। और दूसरा है परमपिता। प्रजापिता का भी पिता, वो पतियों का पति और बापों का बाप होने का पार्ट बजाने वाला है। तो ऊंच के ऊंचते ऊंच को पकड़ना चाहिए ना। जिस्मानी बाप में क्यों बुद्धि धरी रहे, वो अगर कल्याण करने वाली आत्मा होती तो द्वापर कलयुग के 63 जन्मों में भी कल्याण कर सकती थी। कल्याण किया क्या, दुनिया का कल्याण हुआ? क्या उस आत्मा ने कल्याण नहीं किया? कल्याण तो किया, लेकिन अपने तरीके से किया। बाप की पहचान नहीं थी, अपने प्रकार की मनमत से किया, तो सफल होने का सवाल ही नहीं। षष्ठी रूपी रंगमंच की दो ही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, राम और कृष्ण, परंतु वो भी द्वापर युग से द्वैतवाद के चक्कर में आ जाती है, रावण से प्रभावित तो हो जाती है,
इसलिए जगत का कल्याण नहीं कर सकते। उन आत्माओं के द्वारा भी कल्याण तब होता है जब मैं उनमें प्रवेश करता हूं, उनमें भी नंबरवार हो जाते हैं। एक है अव्वल नंबर और दूसरा है दोयम नंबर। अव्वल नंबर के द्वारा अल्लाह आकर के अल्लाह अव्वल दीन की स्थापना करते हैं। उस अव्वल नंबर धर्म को तुम बच्चे ही जानते हो, और तो कोई जान भी नहीं सकते। हिस्ट्री ज्योग्राफी सच्ची तुम्हारी बुद्धि में बैठती है, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी में सब कुछ आ जाता है। तो ज्ञान और योग दोनों ही सेकंड का काम है। एक सेकंड में कोई को बाप का परिचय दे सकते हो, परंतु बाप के लव में लीन हो करके देंगे तो बुद्धि में बैठेगा। बाप को याद करना है बस। उल्टे से सोल्टा बन बाप को याद करना है। उल्टा का उल्टा बन करके बाप को याद करेंगे तो फायदा होने के बदले और ही नुकसान होता रहेगा। उल्टा क्या है, सुल्टा क्या है? उल्टा है देह अभिमान और सुल्टा है आत्माभिमान। इसलिए घड़ी घड़ी बोलते हैं अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। हम आत्मा को बाप, परमपिता परमात्मा को याद करना है। परमपिता परमात्मा क्यों कहा जाता है? परमात्मा परमपिता क्यों नहीं कहा जाता? परमपिता का मतलब ये है पिताओं में जो परम पार्टधारी है, जिसका कोई पिता नहीं, निराकारी स्टेज में, वो कभी साकारी बनता ही नहीं। और साकारी बनता तो परम आत्मा में आकर के बनता है। परम पिता की भेंट कोई भी आत्मा से नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनके बीच में जो परम पार्टधारी आत्मा है, हीरो पार्टधारी आत्मा है, मुख्य एक्टर है, उसके साथ भी उसकी भेंट नहीं की जा सकती। वो तो है ही तुरिया। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं,
उनमें जो हीरो पाठधारी आत्मा है, जन्म मरण के चक्र में आने वालों के साथ उस हीरो पाठधारी की भेंट की जाती है। इसलिए कहा जाता है परमात्मा। मुरली में भी बोलते हैं बार बार याद दिलाने के लिए, परमात्मा माना परम आत्मा, माने परम पार्ट बजाने वाली आत्मा। जन्म जन्मांतर की बात है, सुप्रीम सोल बाप वो तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, और जिसमें प्रवेश करता है वो भी बेहद के जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, क्योंकि उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। इसीलिए निश्चय रूपी जन्म और अनिश्चय रूपी मृत्यु कभी नहीं होती। ये संगम युग की बात है, इसलिए उसे परमात्मा कहा जाता है। निश्चय के आधार पर परम पार्ट कहा जाता है। ब्रह्मा को सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता है, इसलिए ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। प्रजापिता के लिए नहीं कहा गया कि प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और प्रजापिता ब्रह्मा की रात, मां देह अभिमान वाली होती है, धरणी कही जाती है, और बाप बीज कहा जाता है। शास्त्रों में कहते भी हैं हम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। तो अंतर पड़ जाता है हीरो हीरोइन के पार्ट में। कृष्ण की आत्मा हीरोइन का पार्ट बजाती है, इसलिए उनको निश्चय अनिश्चय का चक्र सबसे जास्ती चलता है। उसे एक आत्मा के ऊपर सारी दुनिया की आत्माओं का मदार है। परंतु वो आत्मा भी 84 के चक्र में प्रैक्टिकल पार्ट के रूप में 50 साल कम कर देती है। प्रैक्टिकल पार्ट अपने शरीर से 50 साल कम 5000 साल ही बजाती है। तो आत्मा का नाम नहीं गाया जाता, नाम साकार का गाया जाता है। इसलिए कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की आत्मा संगम युग में शरीर छोड़ती है तो जिस तन के द्वारा भी माता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है, उसके ऊपर सारा मदार आ जाता है। इसलिए बोला एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, और एक के पतित होने से सब
पतित बन जाती है। वो एक कौन हुआ? आत्मा के रूप में तो एक दो तीन चार नहीं कहा जाएगा, प्रैक्टिकल में साकार शरीरधारी चाहिए। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, आकारी बन गया। आकारी शरीर तो देखने में भी नहीं आता, सूक्ष्म बतन में पार्ट नहीं बजाया जाता, पार्ट साकार रंगमंच पर बजाया जाता है। इसलिए दुनिया की एक ही धुरी है, जिस पर सारी दुनिया घूमती है। जैसे धुरी के बिना गाड़ी नहीं चलती, बल दोनों पहिए मौजूद हों, ऐसे ही ब्रह्मा सूक्ष्म शरीरधारी जिसमें प्रवेश करके प्रैक्टिकल में पूजन योग्य बनता है, जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है, परंतु ना समझने के कारण, देह अभिमान की दृष्टि होने के कारण लोग जगदम्बा शरीरधारी को समझ लेते हैं। क्योंकि देह अभिमानी है, जगदम्बा देहधारी को कहा जाएगा या पार्ट बजाने वाली आत्मा को कहा जाएगा? ज्ञानी आत्मा इस बात को समझेंगी। जैसा मुरली में बताया है, वास्तव में यह ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए माँ का टाइटल सरस्वती को दे दिया है, ओम राधे को दे दिया है, फॉर द टाइम बीइंग। वास्तव में जिसे दुनिया जगदम्बा मानती है, वो जगदम्बा की आत्मा नहीं है। पार्ट आत्मा बजाती है या शरीर बजाता है? शरीर तो एक प्रकार का चोला है, माता का मुख्य पार्ट क्या है? माता का मुख्य पार्ट है सहनशीलता पूर्वक बच्चों को जन्म देना। अगर जन्म देते समय उसकी सहन शक्ति खलास हो जाए, तो अनिष्ट हो जाए। पालना करते समय सहन शक्ति खलास हो जाए, तो बच्चे को प्यार नहीं मिलेगा। ये सहन शक्ति सब गुणों का राजा है, जो माता ही धारण करती है। परंतु वो पार्ट जगदम्बा का नाम रूपधारी नहीं बजाता,
वो पाठ धारण करने के निमित्त कौन बनता है? दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल उर्फ कृष्ण की सोल बनती है। इसलिए बोला कि देवी के पुजारी हैं रावण संप्रदाय, क्योंकि देवी के देह को देखते हैं। देवी के अंदर जो पाठ बजाने वाली आत्मा है उसके आदि मध्यंत के पाठ को नहीं देख पाते। ऐसे ही यहां बाप कहते हैं, तुम बेहद के देहधारी बाप को मत देखो, बेहद के देहधारी बाप का जो बाप है, जिसका कोई बाप नहीं उसको देखो। कंट्रोलर कौन है दोनों में? एक रथी है और दूसरा सारथी है। रथ का कंट्रोल किसके हाथ में? सारथी के हाथ में है। इसलिए बोला सारी डोरी शिव बाबा के हाथ में है, न ब्रह्मा के हाथ में है न प्रजापिता के हाथ में। हाथ कौन सा? बुद्धि रूपी आत्मा रूपी हाथ। जिनको ये पक्का निश्चय बैठ जाता है वो हिल डुल नहीं सकते। रावण के हिलावे में नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि में ऊंचे से ऊंचे बाप है। कौन? शिव बाप। कोई कहे ऊंचे और नीचे, ये तो साकार दुनिया की बात है। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जिसका नाम शिव है वो ऊंचे और नीचे कैसे? क्योंकि वो भी शरीर में आकर के पार्ट बजाता है, पार्ट के आधार पर ऊंच और नीच कहा जाता है। प्रजापिता वाली आत्मा या कृष्ण वाली आत्मा द्वैतवादी युग में अर्थात द्वापर और कलयुग में अनेक जन्मों का पार्ट बजाते हुए भी देहधारियों से डिटैच होकर के नहीं रह पाती, अटैचमेंट में आ जाती है, इसलिए कमजोर पड़ जाती है। सिर्फ एक संगम युग ही है जबकि परमपिता परमात्मा मुकर रूप से प्रवेश करते हैं, जिसमें वो देहधारी आत्मा भी बार बार अटैचमेंट में आने के बावजूद भी सुप्रीम सोल का निरंतर संग रहने से अटैचमेंट से परे होकर रहती है। अटैचमेंट में आती भी है तो जल्दी ही सुप्रीम सोल बाप के प्रवेश करने से डिटैच हो जाती है। कोई कहे फिर तो बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। तो बाप कहते हैं ये प्रैक्टिस आकर के मैं तुम बच्चों को सिखाता हूं। क्या प्रैक्टिस? क्या प्रैक्टिस? अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो।
अब जो जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो उस स्टेज को प्राप्त करेंगे। ओम शांति।